नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेफ पीयूष और आपका स्वागत है एक और बार हमारे पेज और चैनल पे। और आज एक बहुत सिंपल और बहुत हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी के साथ आए हैं, जो कि है मांडवे का हलवा, जिसे बाड़ी भी कहा जाता है। तो चलिए पहले सामग्री देखते हैं, फिर रेसिपी के बारे में जानेंगे। तो मांडवा बेसिकली लोकल नेम है, आप उसे बहुत फेमस रागी के नाम से जानते होंगे। जी हाँ, ये रागी का हलवा है, इसे बाड़ी कहा जाता है। इसे उत्तराखंड साइड बनाया जाता है। अब बाड़ी सॉल्टी भी बनती है, जो दाल के साथ खाई जाती है, और स्वीट भी बनती है, जो मैंने यहाँ पे डेमोंस्ट्रेट की है। मैंने थोड़े हेल्दी तरीके से भी इसे बताने की कोशिश की है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पैन में पानी ले लेना है और उसे उबालने चढ़ा देना है। उसी के साथ साथ गुड़ और इलायची पाउडर डाल देना है इसमें। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने बेलन का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कोई लकड़ी का डंडा है जो मोटा है, यानी जो खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्वियसली जो ज़मीन पे लगाए वो नहीं, तो इसको उसकी मदद से आप गोल गोल घुमाइए। अब एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपके लम्ब्स कभी भी फॉर्म नहीं होंगे इसमें, नहीं तो कई बार लम्ब्स फॉर्म हो जाता है इसको डालने के बाद। तो एक बोल में पानी ले लीजिए और उसमें ये रागी आटा मिक्स कर लीजिए। तो मेरा थोड़ा सा टाइट हो गया था, तो मैंने पानी लेके और मिक्स कर दिया था। तो इसको अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। तब आप देख सकते हैं और पानी मिलाने के बाद कैसे स्मूथ पेस्ट हो गया ये। अगर ये स्टेज पे अगर मैं इसको स्मूथ कर दूंगा, तो आगे मुझे हलवे बनाने में ज़रा भी परेशानी नहीं आएगी। तो मेरा पानी उबल चुका था, गुड़ अच्छी तरीके से पिघल गया, इलायची पाउडर मिक्स हो गया। उसके बाद उसमें ये रागी का आटा जो पानी के साथ मिलाया है, इसे शामिल कर दिया है। और अब इसे बेलन की मदद से थोड़ा विग्रेसली मिक्स करेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट आपको ये करते रहना है अच्छे तरीके से इसको मिक्स। अब क्या होता है, कई बार जब हम सीधा रागी का आटा डाल देते हैं इसमें, तो उसमें लम्ब्स फॉर्म हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसा तरीका बताएं जो फेल प्रूफ है और कभी भी आपको लम्ब्स फॉर्म होने नहीं देगा। तो जैसे ही 5 मिनट हो जाते हैं, इसमें आपको घी शामिल कर देना है, जैसे मैंने अभी इसमें डाल दिया है। सिर्फ घी डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। क्या होगा, घी पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। और आपको इसको तब तक पकाना है जब तक घी अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। एक बार जैसे ही आपका घी मिक्स हो गया, आपकी रेसिपी तैयार है, आप इसे सर्व कर सकते हैं। मानिए मेरी बात, दिखने में ये बहुत ही छोटी रेसिपी लगती है, बट खाने में ये न्यूट्रिशनली डिलीशियस और अमेजिंग है। तो बस गाइज, अब हम वीडियो के अंत पे आ गए हैं। तो देखा ही आपने कितनी आसान रेसिपी थी, बट ये उतनी ही डिलीशियस बनती है। तो ज़रूर इसे घर पे बनाइए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जो हेल्दी खाना खाना चाहते हैं और सोचते हैं वो मीठा नहीं खा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ज़रूर खा सकते हैं। तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, हमारा आईडी है chef_with_a_tattoo। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन दैट यू शोन अस। आई रियली अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट यू कीप ऑन टू सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच वंस अगेन, लव यू ऑल, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू।